हाँ मिट्टी डल जाती है तो उसको साफ कर लीजिए, या उसमें कोई आपको कंफ्यूजन है तो मिट्टी के ऊपर चूना फेंक दीजिए, बस वो पानी को अपने आप साफ करके नीचे भेजेगा। चूने से अच्छा पानी को साफ करने वाला दुनिया में कोई केमिकल नहीं। छत पे चूना डाल दीजिए, बारिश जैसे ही शुरू हुई चूने के पत्थर डाल दीजिए दो चार, जितना भी पानी कॉन्टेक्ट में आएगा सब फिल्टर होके आएगा, तो मिट्टी का उसमें दुष्प्रभाव खत्म हो जाए। तो छत का पानी कोशिश करिए इकट्ठा करने का, नहीं कर सकते हैं तो आपके पास कॉर्पोरेशन का पानी है, इसको बिना उबाले मत पीजिए। अब आप कहेंगे इस पानी को हम एरो में डालें और फिल्टर करें या उबाले और पिए, दोनों में क्या बेहतर है? उबालना बेहतर है, क्योंकि जब एरो में आप पानी को फिल्टर करते हैं तो उसमें पानी को फिल्टर करते समय कुछ ऐसे केमिकल खत्म हो जाते हैं जो आपके शरीर को जरूरी है। तो एरो का पानी तो मजबूरी का पानी है, जब कुछ भी नहीं मिल रहा है। मुझे तो कई बार, मैंने एक, आप इसको मजाक मत कहिएगा, मैं आपको सीरियसली कहता हूं, मैंने एरो के जितने भी ब्रांड है मार्केट में, एरो तो एक ब्रांड है, बहुत सारी वाटर प्यूरिफायर मशीन है, सबका पानी निकाल निकाल के लेबोरेटरी भेजा टेस्टिंग के लिए, सभी टेस्टिंग की एक ही रिपोर्ट है कि किसी में फॉस्फोरस कम हो गया, किसी में कैल्शियम कम हो गया, किसी में आयरन कम हो गया, किसी में कुछ कम हो गया, किसी में कुछ कम हो गया। फिर मैंने इन कंपनियों को चिट्ठियां लिखी कि आप बोलते हैं कि आपकी मशीन बहुत अच्छी है, पानी को प्यूरिफाई करती है, तो उसने कहा हम कब बोलते हैं, वो कहते हैं हम पानी को प्यूरिफाई करने की मशीन बनाते हैं, पानी को क्वांटिफाई करना क्वालिटीफाई करना इसके लिए मशीन नहीं बनाते हैं। माने पानी की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की मशीन नहीं है हमारी, हमारी पानी को प्योर करने की मशीन है। अब प्योरिटी क्या है, कुछ हैवी मेटल्स हैं पानी के, उनको निकाल दिया हमने, पानी का टेस्ट थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन हम ये दावा नहीं करते कि इसकी क्वालिटी इम्प्रूव कर दी हमने। तो आपको थोड़े से भ्रम जाल में फंसा के वो अपना धंधा करते। पानी की क्वालिटी मेंटेन रहती है जब पानी बॉइल करके आप पीते। आपके शरीर में भगवान ने पेस्टिसाइड रिमूव करने के लिए दो किडनी दे रखी, दो मशीनें हैं, उनका कब इस्तेमाल करेंगे आप? तो आप ये तो भूल जाइए, भगवान ने हमको दो किडनी दी है, एक छोड़ के दो दी है, मुंह तो एक ही दिया है खाने को, किडनी तो दो दी है, वो इसी काम के लिए है कि जितना भी आप पेस्टिसाइड खा रहे हैं उसको खत्म करें या फ्लश आउट करें। तो आप उसकी चिंता मत करिए, किडनी अगर फंक्शनल है तो आपके जीवन में कोई तकलीफ नहीं, किडनी अगर फंक्शनल नहीं है तो जरूर ये सोचने की बात है। बिल्कुल नहीं, बारिश के पानी को बॉइल करने की जरूरत नहीं, वो तो भगवान का पानी है, उससे ज्यादा शुद्ध तो होता नहीं है। नहीं कभी मत रखिए, बारिश के पानी को मिट्टी के टैंक में रखना सबसे अच्छा है, कांच की बोतल में चलेगा। कांच जो है ना मिट्टी का ही दूसरा स्वरूप है, सिलिका को थोड़ा प्यूरिफाई करते हैं तो कांच बन जाता है, सिलिका माने मिट्टी। गुनगुना, गरम नहीं गुनगुना। नहीं, तांबे और सोने का कॉम्बिनेशन नहीं है, आप सोने का सिक्का अलग रखिए, तांबे का अलग रखिए। सोने का सिक्का अभी डालिए इन दिनों में जब सर्दियां हैं, और तांबे का तब डालिए जब बारिश आ जाए। नहीं नहीं, रात को बॉईल किया हुआ पानी आप रख लीजिए, सुबह उठ के इसको पी लीजिए, कोई जरूरत नहीं दोबारा गर्म करने की, रूम टेम्परेचर का पानी पी सकते हैं। ये सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए है, सुबह का।